हे फैमिली वेलकम आप सब, आई होप अच्छे होंगे। कुछ बोलना चाह रहे हो तुम? बोलो। वेलकम बैक टू इस चैनल। बिल्कुल चलना चाह रहे। सो आज वीडियो आई है पूरे 2-2.5 महीने बाद। ये सिर्फ इसलिए आता है बताने कि आज चलो वीडियो आ गई 2-3 महीने बाद, आज वीडियो आ गई 1 महीने बाद। फिर मैं याद आता अच्छा यार मेरा होम टाउन क्या हुआ था, मेरे भाई की शादी वगैरह थी। आप तो बहुत पहले गए थे, बहुत सी चीजें आप लोग इनकी रील्स वायरल आएगा। अरे रील्स मैंने होम टाउन में बनाई नहीं, सोच रहा पड़ता है ना वीडियो बनाने के। और आज भी मैंने खुशी को उसको फोन किया था कि जल्दी आना है। ये आई है सीधा कितने बजे? ये आई है 6 बजे। बताइए कोई टाइम आने का? हम तो जब से वेट कर रहे हैं, लेकिन हम रात को भी शूट करेंगे क्योंकि हमें आज। फिर मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको ब्लॉग चाहिए या फिर चैलेंज वीडियो चाहिए, तो आपने बोला था ब्लॉग। तो ब्लॉग मैंने सोचा था कि होम टूर वीडियो बनानी थी और गाड़ी ली थी मैंने, उसका ही बताना था ब्लॉग को। तो मैंने सोचा इस ब्लॉग में कवर कर देता हूँ दोनों। पूरे टोटल 43 मंजिल है यहाँ से। अगर मैं खुशी को ऐसे करके धक्का भी दे दूँ ना, पहली कह रही है मैं नहीं बचूंगा, सच में नहीं बचूंगा। और यहाँ से हमारी एंट्री होती है, सब बता देंगे। ठीक है, यहाँ से एंट्री होती है, खुशी यहाँ से चल कर आते हैं, इधर कार, इधर से कार आती है, उधर पार्क करते हैं, क्योंकि होम टूर के साथ साथ सोसाइटी टूर भी। यहाँ पे फार्मेसी भी है, यहाँ पे आपका स्टोर भी है, फार्मेसी खुलने वाली है, ग्रोसरी का। चलो अब आगे चलते हैं। हमने वेट किया सुशी का, बहुत देर से वेट कर रहे थे सुबह से। मोक भाई को कुछ काम आ गया तो बाहर चले गए, और सुरभि को भी कुछ काम आ गया तो घर चले गए। आपको पता है कि यहाँ पे रील्स बनती है, सबकी फीड पे देख चुके होंगे आप। इधर रील्स बनती है, अंदर बैडमिंटन खेलते हैं, उधर क्रिकेट खेलते हैं। ये नितेश भाई कार खड़ी है कार के सामने। जैसे कि आप आधे लोगों को पता होगा कि मैंने गाड़ी ली थी, मतलब मैंने स्नैपचैट पे बताया था शायद। सेकंड हैंड फर्स्ट न्यू कार ली थी। हाँ, क्योंकि जब मैं अभी मैंने जस्ट चलाई। ठीक है चलो, ठीक है। और नितेश भाई ने अभी तक हमें राइड नहीं कराई अपनी कार में। मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मुझे गाड़ी ली है अभी, मुझे 2 महीने होने वाले। आपने देखा राइड ली? हाँ शोरली, किसी ने देखा? मैंने मतलब अभी बहुत लोगों को नहीं पता कि मैंने गाड़ी ली थी, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं मुझे चलानी भी आती है। मैंने जब लोगों को ये भी नहीं पता नितेश के पास मर्सिडीज है। नहीं, मर्सिडीज नहीं है मेरे पास, मेरे पास है इको स्पोर्ट टॉप मॉडल। मैंने गाड़ी ली थी आज से 1-1.5 महीने पहले, है ना? बोलते सर आज से 4-5 साल पहले। एक डेढ़ महीने पहले होम टाउन जाने से पहले तो मैंने चलानी सीखी थी 2-2.5 महीने पहले। सर मैं थोड़ी थोड़ी चला के देखी तो इन्हें क्रेज हुआ कार लेने का, फिर उन्होंने कार ली, फिर लेके होम टाउन, होम टाउन से आए और उसके 15 दिन बाद ये वीडियो बना रहे हैं। सो या ये कार ली। बताओ नितेश है यार, ऐसी बात है बताओ, कार में कोई बैठने नहीं जा रहा, कौन सा परफ्यूम लगाया है इसमें? निकाल रहा हूँ यार, अजीब सा है, स्मेल गंदी सी है उसकी। नहीं गंदी भी नहीं है, लाइट परफ्यूम, मतलब लाइट उसकी हैबिट है तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ स्ट्रांग तो है। मैं नहीं, तुम देखो ना भाई, मैंने बहुत वैसी सर घूम रहा है, ऑरेंज फ्लेवर समथिंग का है, वो बहुत स्ट्रांग है। कोई नहीं, मैं दूसरा लेके आऊंगा, अब तो बैठ जाएगी। हां क्या मतलब इसका मूव है, क्या मतलब ऐसा नहीं फाइनली नितेश भाई हमें अपनी कार में फाइनली क्या, तुम बहुत बार घूम चुके हो खुशी, पहली बार बैठे हैं ना खुशी? पहली बार नहीं, बहुत बार बैठ चुके हैं, तेरा कम है, लेकिन कुणाल भाई तो रोज बैठ, सबसे पहले तो मैं ही बैठा। तो यहाँ से होती है हमारे, जैसे कि हम तीनों घर पे ना हो, मोहन भाई, कुणाल भाई और ये वेटिंग एरिया, तो यहाँ बैठ के ऐसे खुशी को वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि मैं आ जाता हूँ, बाकी तो सबको वेट करना पड़ेगा। जान तुम्हें प्यारी नहीं है क्या? ये तो अब हम जाएंगे अपने रूम में, चलो। सबसे पहले हमारे मिलेंगे इधर हमारे खेलने की चीजें, बस हमें बस एक हफ्ते का शौक था जब से ये रखे हुआ है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल किधर गए अपने? फुटबॉल, फुटबॉल इसमें होगी, इसमें थे फुटबॉल, इसमें रखी है हमारी फुटबॉल, फुटबॉल नहीं पार्टी पॉपर वगैरह, फुटबॉल। ओ फुटबॉल का है हमारी, फुटबॉल का, इसमें हम सारे ये चीजें रखते हैं, कैरी बैग वगैरह, ये काम आते हैं हमेशा। सो अभी हमें इसमें फ्लैट में टाइम हो गया, 1 महीना हो गया होंगे? नहीं नहीं 1 महीना नहीं, और हमें टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि हम इसे ठीक से डेकोरेट कर पाए, क्योंकि इन्होंने अपना पुराना घर भी नहीं अच्छे से डेकोरेट किया था।
देखो एक कह रहा था हम तीनों बिजी रहते हैं, बाहर सोफा वगैरह भी आना है, बट अभी धीरे धीरे आएगा। अभी मेन क्या है कि अभी हमने सोचा कि अपना रूम अच्छे से कर लेते हैं, और सही बताऊं तो रूम में हमें इतना टाइम लगता था ना, अगर हम बेड लेने जा रहे हैं तो पूरा दिन बेड में निकल जाता था, अगर हम कुछ और लेने जा रहे हैं तो उसमें पूरा दिन निकल जाता था। अभी बिन खाए पिए अभी सामान ऐसे रखा हुआ है, देखा जैसे सामान आता है कुछ तो यहाँ ही रखा जाएगा, और कहाँ रखा जाएगा उधर बैग इतने सारे। तो अभी हमने सोचा यहाँ पे अभी जब यहाँ पे सोफा लग जाएगा, यहाँ पे एक सोफा लगना है, उसके कलर के हिसाब से यहाँ पे कर्टन्स लगने हैं। ये आपका किचन नहीं है, कुणाल का ढाबा है, सबको पता है। हमेशा गंदा नहीं रहता, सुबह आंटी जाती है साफ करके चले जाती है, और शाम तक सारे गंदा कर देते हैं। मैं कुछ गंदा नहीं करता, ये गंदा करता सबसे ज्यादा, सारे गंदा करते हैं, सारे गंदा करते हैं, सारे सारे मिलके करते हैं, लेना सारे मिलके करते हैं गाइस। तो यहाँ पे अभी सोफा लग जाएगा, तो मतलब इसको फिर डेकोरेट करेंगे। अभी हम सबने अपना रूम का रखा है, बट धीरे धीरे बाहर का भी सामान आ जाएगा। मैंने रोक भी दिया अभी तो कुणाल भाई और मोहक भाई का अभी प्रॉपर, लेकिन नितेश भाई ने अपना रूम सबसे पहले डेकोरेट किया, इसीलिए ये मतलब फोन टूर दे रहे हैं, तो इसलिए रूम टूर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बहुत दिल से सजाया, द स्पेशल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। यस, देखो ये ना कुणाल भाई के जो नहीं, ये मोहक भाई के सबसे ज्यादा वही बोलते हैं, साफ सफाई रखेंगे। ये मोहक भाई के शूज, मोहक भाई का बैग है, ये तुम्हारा मैंने क्या कहा था, हॉल तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। दो दिन का शौक था गिटार का, जब से ऐसे रखा हुआ है। मेरा वॉशरूम जो अटैच नहीं है, और हाँ ठीक है अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं, मैंने लगवाया हुआ था बट ये बहुत ही तो खराब था, तो अभी ठीक हुआ है, बाहर निकाल के रखा हुआ है। ये है मेरा बेडरूम, इसमें अभी मैंने बस छोटी छोटी चीजें लगाई हैं, ज्यादा नहीं लगाया, छोटा रूम है इसलिए मैंने छोटी छोटी चीजें लगाई हैं। मेरा बेडरूम और मेरा ड्रीम रूम, ड्रीम रूम तो नहीं है, अभी भी ड्रीम रूम नहीं है, ड्रीम रूम थोड़ा अलग लेवल का है, मैं जब अपना खरीदूंगा तो बनाऊंगा। अच्छा, तो सबसे पहले आता है ये, अपने अपने रूम के लिए लाए थे कोट्स, बट मैंने बस अभी लगाए हैं अपने रूम में, इन्होंने अभी नहीं लगाए, क्योंकि हमारा रूम, और ये लेके आया था मैं, बट इसमें नीचे शूज एक है, मैंने शूज डाले हुए हैं, बट अभी तक इसमें मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या रखूं, इसलिए बस मैंने परफ्यूम वगैरह रख दिया अभी तक। और इसके बाद आता हमारा बेड, बेड अभी सजाया, नीचे ऐसे ही पड़ा था। हाँ सही में मैंने वीडियो बनाने से पहले ही इसको थोड़ा, और गाइस ये देखिए 15 इंच की एलईडी, और हमारा टाइम पास यहाँ पे होता है पूरा दिन एलईडी, और इसके नीचे भी शू रहेगा, इसमें भी शूज भरे हुए पूरे। ये तो आपकी वजह से आया था जो मैंने यहाँ पे अपने सामने रखा हुआ है, और इसमें सारे कपड़े भरे हुए, खोलना इसको सर, इसमें पूरे कपड़े भरे हुए, अभी भी जगह नहीं है इसमें कि कपड़े रखने का है। ठीक है, रख दो, बंद कर दो। ये हमारी वॉच दिखा दिया मैंने। अच्छा, और इधर है मिरर, इधर है कर्टन, हटो हटो, अरे यार ये गंदी शक्ल किसकी आ रही है, ये फ्लावर पॉट। हाँ तो कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, ये जूमर लगाया हुआ थोड़ा छोटा सा लाइट, और अब मैं दिखाता हूँ व्यू, और ये वॉच है जो चलती नहीं है। हाँ इसमें बैटरी डालनी है, बट अभी मैंने डाली नहीं है, बट डाल दूंगा जल्दी इसमें। अब मैं दिखाता हूँ अपने रूम का व्यू, ऐसे करेंगे रात में अच्छे से दिखेगा, बट फिर भी हाँ आइए आइए, रात को अच्छा लग रहा है, रात को अच्छा लगता है, लाइट एंड चेंज होती है ना। और ये बालकनी यहाँ से लेके पूरी वहां तक है, एंड तक किचन से अटैच है, ये यहाँ कपड़े सो रहे हैं, मेरे रूम से और मोहक भाई के रूम से, इसलिए बड़ी है सबसे ज्यादा, ये मेरा रूम है, इसके बगल में मोहक भाई का रूम, कपड़े धोने वाले रखे हुए। इसमें क्या होता है कि हर बार जैसे पता है हम कितने बड़े आलसी हैं, हर बार की तरह आलसी आप समझ सकते हो, आप कपड़े डालते हैं शाम को, निकलते हैं अगली सुबह। जैसे नितेश भाई ने आज निकाले 10 दिन बाद। इस रूम से निकलेंगे और आगे आगे आएगा, हमें दो रूम देखने को मिलेंगे, ये मोहक भाई का रूम है और ये कुणाल तोमर मतलब मेरा, मैं एंटर कर रहे हैं मोहक भाई के रूम में, हमारे मोहक भाई का रूम। अभी इन्होंने बस बेड रखा हुआ है, साइड टेबल और बस कर्टेंस, अभी इन्होंने जाते हैं और ये इनके स्पीकर, अभी तक पूरे इसमें फ्लैट में ये आया हुआ है होम थिएटर जो बस और बेड सुनने के लिए रखे हुए हैं, बेड अभी इन्होंने कुछ नहीं रखा हुआ, पर अभी सोच रहे हैं कि अभी मुझे क्या क्या लगाना है, ऊपर वो लगाया है, लाइट लगाई हुई है, एक कर्टेंस बस, बालकनी सेम है, मेरे रूम से अटैच्ड है, व्यू सेम है, और सबसे ज्यादा साफ सफाई वाले हमारे मोहक भाई हैं, और सबसे ज्यादा गंदा रूम मिनी का रहता है, और सबसे ज्यादा स्पेस है इनके रूम में, लेकिन फिर भी आधे कपड़े हैं मिलेंगे। इनके वॉशरूम में भी काफी स्पेस है, ये महाराजा बेडरूम है ना, हाँ
सबसे ज्यादा स्पेस मोहक भाई के रूम में ही है, कहते हैं मेरे पास बहुत कपड़े हैं तो मुझे ही रूम चाहिए। और इनके में ये भी है, पूरे कपड़े हैं, कपड़े मतलब उसमें ही भरे हैं, इसमें ही भरे हैं, कपड़े ज्यादा हैं इस वजह से थोड़े बाहर रखे हुए हैं। अब एंट्री करेंगे हम कुणाल भाई के रूम में, और ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि अपना रूम इन्होंने पहले सही किया है। तो तुमने नहीं किया था। सबसे ज्यादा गंदा तुम्हारे रहता है वैसे, सही बताऊं तो सबसे ज्यादा कुछ भी खाते हैं यहाँ रख देते हैं, कुछ भी खाते हैं यहीं रख देते हैं, है ना। बट इनका रूम भी प्यारा है सबकी तरह, और इनका बेड है, बेड इन्होंने मतलब कि थोड़ा बहुत अलग चाहा था बट वो बन नहीं पाया, बट ये भी प्यारा लगता है। हाँ शुर एक, हाँ एक में एक चीज अच्छी थी वो कुणाल भाई बताएंगे। हाँ इसमें इनके बेड में भी है और मोहक भाई के बेड में भी है, मेरे बेड में नहीं है। ये है कुणाल भाई का पर्सनल बालकनी, ये रहा। अभी इसको भी डेकोरेट होगा थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ा बहुत सामान रहेगा, और इनके रूम का ये व्यू है, दिन में और अच्छा लगता है। बैठ के चाय पीट, अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे दो चेयर लगाने के लिए, एक टेबल अच्छी सी, वो भी सोच रहा हूँ लगा देगा क्या आता है एक चीज चला। क्या बोलते हैं, और यहाँ से एंट्री करेंगे। ये कुणाल भाई का मिरर है, मिरर में एक और ट्विस्ट है, इसमें कपड़े रखते हैं, बिकॉज कपड़े ज्यादा थे उसमें कपड़े पूरे आ नहीं पाए, तो ये क्या अच्छा, ये Q2 है, ठीक है जी, ये खुशी ने गिफ्ट करा, ठीक है गाइस, ये खुशी ने दे दो, खुशी ने एक चीज और इंटरेस्टिंग गिफ्ट की थी, मैं दिखा देता हूं। हाँ वो दिखा दो, इससे पहले मैं कुणाल भाई का वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये है कुणाल भाई का, थोड़ा मोहक भाई का बड़ा है और उसमें कवर्ड है बस, बाकी सेम है। अभी कुणाल भाई कुछ अलग चीज दिखाने वाले हैं जो खुशी ने गिफ्ट किया था, अब पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, स्पेशल जो तूने चीज दिया वो कुणाल भाई के लिए स्पेशल है। हाँ कुणाल भाई है ना, लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी, चलो ऑफ करके दिखाते हैं। ये है लाइटिंग के लिए पूरे रूम में लाइट, ये हम सोते हुए चला सकते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है, और इसमें साउंड भी है इसमें देखो। हाँ इसकी ये सुबह सुबह सुनने वाला है या फिर शाम को सुनने वाला है, ऐसा लगता है जंगल में आ गए। बट Q2 है, खुशी ने दिया तो Q2 है ना खुशी, थैंक यू बोलो खुशी को, खुशी भी क्यूट है तो चीजें भी क्यूट होगी यार। ऑलमोस्ट सारी चीज दिखा चुके हैं हम, बट अभी थोड़ी बहुत चीजें मैं अपने रूम का दिखाता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि हम टाइम पास कैसे करते हैं अपने रूम में, जैसे कि ये हो गया टीवी का रिमोट स्टार्ट हुआ, ऐसे करते हैं हम अपने रूम में टाइम पास। मैंने लाइट लगाई हुई है मूवीज देखने के लिए, बिल्कुल वाइब जो होती है ना वैसे वाली, ये यहाँ पे हम मूवीज देखते हैं तीनों चारों बैठ के यहाँ पर, और ये लाइट्स ऑन कर देते हैं तो मजा आता है। बहुत लोगों ने पूछा भी कि आप लोगों ने दिल्ली से नोएडा क्यों शिफ्ट किया है, तो ये बताएंगे हमारे कुणाल भाई। क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी जैसे कि वीडियोस वगैरह की, क्योंकि हम मेन दिल्ली में थे तो वहाँ ऐसे लोकेशन नहीं थी वीडियोस की, और वो बहुत बोरिंग हो गया था, और हम तो इसलिए थोड़ा बाहर आए नोएडा साइड, जिससे कि नहीं ऐसा फिर जंगलों में रहने स्टार्ट करें, और बहुत सारा खुला खुला रहेगा वीडियो। अभी मैंने आपको जिम वगैरह नहीं दिखाई है, हमारे जस्ट नीचे ही फोर्थ जिम स्विमिंग पूल वगैरह, सो वो आप स्नैपचैट पे देख चुके होंगे शायद, तो और फ्लाइट में भी हमने ऑलमोस्ट सारी चीज कर चुके हैं, बट अभी बाहर की चीजें सामान आना बाकी है, बोर हो चुके लोकेशन से, आप बता रहे थे बताओ ना सच। हाँ तो वही है, एक जैसे लोकेशन पे कितनी वीडियोस बन सकती है, अभी सबका भी, अभी कुणाल भाई का रूम बाकी है, मोहक भाई का रूम बाकी है, तीनों का रूम प्यारा लगा और लोकेशन अच्छी लगी, और ये पता ना किसका रूम अच्छा लगा, नितेश भाई के वैसे अच्छा लगता है सबको, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट से। हमने जब रूम डेकोरेट किया था तो किसी से सजेस्ट नहीं करा हमने, मैंने कुणाल भाई, क्योंकि हमने कभी ऐसा काम किया नहीं कि हमने पर्सनली रूम अपना डेकोरेट किया हुआ है, कैसे हमें अगर लेना था तो हमें विद फर्निश भी मिल जाता, बट हमने सोचा था कि हम खुद करेंगे, और हमने ज्यादा इसलिए भी नहीं किया क्योंकि पर्सनल फ्लैट नहीं है, रेंट पे है, तो इसलिए हमने इतने अच्छे से डेकोरेट भी नहीं किया, क्योंकि ऐसे सामान लेके आए जो हम बाकी कभी शिफ्ट करना पड़े तो शिफ्ट कर सके, हाँ, दिक्कत ना हो। हाँ तो हमारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर कभी चेंज करेंगे तो हो सकता है कि हमें और अच्छे से कर पाए। सो वीडियो को हम एक खत्म करते हैं, और खुशी कुछ करना चाहते हैं, वो पहले से आदत है। तो वीडियो को हम ही खत्म करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आते रहेंगे जल्दी। बाय बाय।